राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि भले ही वो कांग्रेस में संगठन महासचिव की अहम जिम्मेदारी पर हों, लेकिन वो राजस्थान से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अशोक गहलोत के बयान के मायने बता रहे हैं गोनियों संवाददाता आदेश रावल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जनार्दन द्विवेदी को हटाकर संगठन महासचिव का पद अशोक गहलोत को सौंप दिया, तो उसके बाद राजस्थान की राजनीति में ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। अशोक गहलोत ने इसके ऊपर कहा कि मीडिया में कुछ भ्रमित करने वाली खबरें चल रही हैं, कोई उन्हें गुजरात भेज रहा है, कोई उन्हें राज्यसभा भेज रहा है या कोई उन्हें दिल्ली भेज रहा है। अशोक गहलोत ने अपने स्टेटमेंट से साफ कर दिया कि वो अभी भी राजस्थान के सीएम पद की रेस में बने हुए हैं। गहलोत ने कहा कि सीनियर्स ने जो लंबी लाइन खींची है उससे लंबी लाइन खींचने की ज़रूरत है यंग नेताओं को, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उससे उनका भी नुकसान होगा और पार्टी का नुकसान भी होगा। आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव में ढाणियों में जिले में चौपायों में चौपाल में सब जगह जो मुझे आशीर्वाद मिला है लंबे समय से मिल रहा है, उनकी दुआएं मिली है या मिल रही है, उनका प्यार है विश्वास है, तो मैंने कहा है कि उनको भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि लोग भ्रमित करते लोगों को, कभी गुजरात भेज देते हैं मुझे, कभी भेज देते हैं राजस्थान भेज देते हैं और कभी भेज देते हैं दिल्ली भेज देते हैं। तो मैंने कहा और मैंने लोकल भाषा में कहा था कि मैं ठाकुर दूर नहीं, बड़ी प्यारी भाषा हमारी, मैं ठाकुर दूर नहीं मतलब मैं आपसे दूर नहीं हूं। अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे नेता हैं इस नए राहुल गांधी के नए सेटअप में जो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो गुजरात के प्रभारी थे जहां कांग्रेस पार्टी 80 सीटें पाकर भी हार गई और एक अच्छी परफॉर्मेंस राहुल गांधी इसको मानते हैं अशोक गहलोत के नेतृत्व में, इसीलिए उनको ये रिवॉर्ड दिया गया कि उन्हें संगठन महासचिव की पद से नवाजा गया जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसके अलावा राजस्थान के जो समर्थक अशोक गहलोत के हैं उनको लेकर ये स्टेटमेंट अशोक गहलोत ने सोची समझी रणनीति के तहत दिया कि वो अभी भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं और उनका उनका वो इस रेस में अभी भी बने हुए हैं। इसके बाद गहलोत ने कहा कि मैं अब जब राजस्थान गया था मैं अपने लोगों से समर्थकों से बात बोल के आया हूँ कि मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ, यानी सचिन पायलट के लिए अभी रास्ता साफ नहीं हुआ है। अशोक गहलोत का स्टेटमेंट साफ साफ संकेत दे रहा है और अशोक गहलोत भले ही दिल्ली में संगठन महासचिव बन गए हों लेकिन वो फिलहाल राजस्थान के सीएम पद की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि राजस्थान की जो चुनाव होंगे उसमें कोई चेहरा नहीं होगा, कलेक्टिव लीडरशिप होगी जो राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।